सो व्हाट्सअप गाइस, मैं दुबोड़ो में आप सब लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट वीडियो लाता रहता हूँ। सो काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए सॉरी। अब मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियो लाता रहता रहूँगा। सो इस बार मैं आपके लिए एक वैक्यूम क्लीनर बना के लेके आऊँ। सो मैं अभी आपको ले काफ़ी मिनी एंड पॉकेट साइज वैक्यूम है। अगर आपको उसकी पूरी परफेक्ट वीडियो देखनी है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। सो अब आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और वीडियो करना है लाइक, फिर आप अब वीडियो को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसको एक 5 वोल्ट की 6 वोल्ट की डीसी मोटर लगाई है एग्जिबिट फैन के साथ, और सेकंड मैंने इसके अंदर 7 वोल्ट की डीसी 5 वोल्ट की डीसी मोटर लगाई है। इसके मैंने प्रोपेलर भी बड़े लगाए हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी बड़े प्रोपेलर लगे हुए हैं। मैंने एक हैंडल लगाया है, 2 स्विच लगाए हैं, और कनेक्शन मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ कैसे किए। अगर आपको उसकी फुल परफेक्ट तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए फुल परफेक्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो अब देखते हैं इसके कनेक्शन किस तरीके करने हैं। आप लोग, मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्म के टुकड़े डाल दिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कि इसको सक कर रहा है कचड़े को कि नहीं कर रहा है। मैंने एक पाउंड बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोतल का इसका आगे का हिस्सा कट कर लिया है। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया 2 DC मोटर लगा चुके हैं हम, जिसमें बड़े वाले प्रोपेलर है, इसमें छोटे वाले प्रोपेलर है। यहाँ पर मैंने 2 डबल साउट स्विच लगाए हैं, और इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, इसमें बताऊँगा कि इस एक क्यों लगाया हुआ। तो यहाँ पर मैंने एक जाली लगाई है, देख सकते हैं आप लोग, इस जाली को मैं इसके अंदर ये पाउंड को मैं इसके अंदर तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, देखना दोनों प्रॉपलर अपने अच्छे से ऑन हो चुके हैं। अब देख लें अपने कचड़े को सेट करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं आप पूरा सक हो चुका है। अब इसको हम स्विच से इसको बंद करते हैं, ठीक है, और इसको हम निकालते हैं अपने बाहर। तो ये अपना अपने डस्टबिन में आप डाल सकते हैं, और इस जाली से आपका अंदर तक नहीं जाएगा आपका कचरा। के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी और एक्सपार्टमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।